हेलो गाइस रेडियंट एकेडमी वेलकम टू ऑल चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर थ्री प्रूव दैट फॉलोइंग आर इैशनल और तीन सब क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं एक है वन अपॉन रूट टू एक है सेवन इंटू रूट फाइव और तीसरा है सिक्स प्लस रूट टू तीसरा है सिक्स प्लस Two, ये थर्ड सब क्वेश्चन है इस तरीके से तीन सब क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं और तीनों सब क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है तो यहां पर भी प्रीवियस वीडियो की तरह ही हम करेंगे। हम प्रूव करेंगे ये नंबर्स को क्या प्रूव कर देंगे कि ये नंबर नहीं है जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये नंबर इरेशनल नंबर बन जाते हैं तो चलिए देखते हैं सब क्वेश्चन नंबर वन का आंसर किस तरीके से सॉल्व होगा तो वन अपॉन रूट टू है इसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे लेट अस से वन अपॉन रूट टू इज रैशनल देर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट वन अपॉन रूट टू इक्वल्स टू ए अपॉन बी इस तरीके से हम लिख सकते हैं अब जब इसको इनवर्स कर देंगे तो रूट टू इक्वल्स टू बी अपॉन ए हो जाएगा रूट इक्वल्स टू बी अपॉन ए हो जाएगा अब इसको हमने रेशनल नंबर किया हुआ है तो बी अपॉन ए जो है वो क्या है एक नंबर है सिंस एंड बी अपॉन ए विल ऑल्सो बी रेशनल अब जब बी अपॉन ए रेशनल है तो रूट टू ये भी रेशनल नंबर ही होगा देर फॉर रूट टू इज रेशनल लेकिन हम जानते हैं कि जो भी नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर ही है एग्जाम्पल के तौर पर अगर नंबर सिक्सटीन है और रूट सिक्सटीन अगर करता हूं तो उसका आंसर आ जाएगा फोर तो ये तो एक रैशनल नंबर है लेकिन अगर मैं करूंगा रूट सेवनटीन रूट थर्टीन रूट थ्री रूट सेवन तो ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उसका मैं अगर स्क्वायर रूट करूंगा तो वो एक इरेशनल नंबर ही आंसर आने वाला है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर रूट ट्वेंटी फाइव रूट ट्वेंटी फाइव इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइव क्यों क्योंकि ये जो ट्वेंटी फाइव है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है ट्वेंटी फाइव जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका आंसर निकल कर आ चुका है फाइव तो फाइव तो एक रैशनल नंबर है इसका मतलब रूट ट्वेंटी फाइव इज अ रैशनल नंबर लेकिन अगर इस तरीके से हो रूट टू और रूट टू का कोई भी आंसर आ रहा हो रूट टू का आंसर यहां पर पॉइंट में कुछ भी आ रहा हो तो रूट टू का जो आंसर निकल कर आएगा वो एक इेशनल नंबर होगा रूट टू का जब जो आंसर निकल कर आएगा वो एक इर नंबर होगा तो ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जितने भी नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसको अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो इेशनल नंबर में आंसर आएगा अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ हमने क्या बोला कि रूट टू इज अ रैशनल नंबर रूट टू इज अ रेशनल नंबर लेकिन टू जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ टू इज इेशनल स्क्वाज इेशनल हम बोल रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ टू इज रेशनल तो यहां पर आ चुका है कॉन्ट्राडिक्शन दिज कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट रूट टू इज इेशनल हम बोल रहे हैं रूट टू रेशनल लेकिन फैक्ट क्या है कि रूट टू एक इेशनल नंबर है देर फोर आर अजम्पन वन upon root टू is rational is false. हमने जो एज्शन ली थी कि वन अपॉन रूट टू एक रेशनल नंबर है वो फॉल्स हो गई है वो फॉल्स होने का मतलब कि ये नंबर नहीं है अगर वन अपॉन रोट टू रेशनल नंबर नहीं है तो क्या बचा इेशनल रोट टू क्या है एक इेशनल नंबर है और ये बात को हमने प्रूव कर दिया देर फॉर वन अपॉन रोट टू इज इेशनल प्रूवड अब देखते हैं सब क्वेश्चन नंबर टू

अब ए अपॉन सेवन बी इज रैशनल सिंस एंड बी आर ए अपन सेवन बी विल ऑल्सो बी रैशनल अब अगर ए अपॉन सेवन बी रैशनल है तो ऑटोमेटिकली रूट फाइव भी क्या होगा रैशनल देरफोर रूट फाइव इज रैशनल लेकिन रूट फाइव है ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फैक्ट क्या है कि रूट फाइव एक इेशनल नंबर है सो so, फैक्ट दैट रूट फाइव इज इेशनल रूट फाइव तो एक इेशनल है हम रूट फाइव को रेशनल कैसे बोल सकते हैं तो हमने जो एजम्शन ली थी रूट फाइव एक रेशनल नंबर है वो गलत हो चुकी है वो गलत हो चुकी है इसका मतलब ये है कि सेवन रूट फाइव एक रेशनल नंबर नहीं है तो सेवन रूट फाइव अगर रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा इेशनल नंबर देर फॉर सेवन रूट फाइव इज इेशनल प्रूवड अब देखो टू क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखे हुए थे अब इसी के बेसिस पर हम थर्ड क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे चलिए सोल्व करते हैं अब यहां पर हम क्या कर लेंगे कि जो है, वो एक रेशनल नंबर है तो लेटस से लेटस से सिक्स प्लस रूट टू इज रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर ठीक है तो इसका मतलब ये सिक्स प्लस रूट टू को हम कैसे लिख सकते हैं सिक्स प्लस रूट टू को हम ए अपॉन बी जो को प्राइम नंबर होते हैं उसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं अब हम क्या करेंगे जो रूट टू की वैल्यू उसको अकेला कर देंगे रूट टू इक्वल्स टू ए अपॉन बी अब प्लस सिक्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स अब हम देख सकते हैं ए अपॉन बी माइनस सिक्स ए अपॉन बी इंटीजियर से और ये जो ए अपॉन बी माइनस सिक्स जो हमने रेशनल नंबर एज्यूम किया हुआ है तो ए अपन बी माइनस सिक्स क्या है एक रेशनल नंबर है तो हम यहां से लैंग्वेज को पिक कर लेंगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स ए अपॉन बी माइनस सिक्स ऑल्सो be रैशनल ए अपॉन बी माइनस सिक्स विल ऑल्सो बी विल ऑल्सो बी rational अब अगर ये नंबर रैशनल है तो ऑटोमेटिकली ये नंबर भी क्या होगा रैशनल देर फॉर रूट टू धेर फॉर धेर फॉर रूट टू इज रैशनल देर फॉर रूट टू इज़ रेशनल लेकिन हमें मालूम है टू तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं और इसका स्क्वायर रूट हो रहा है इसका मतलब ये तो एक इेशनल नंबर है तो फैक्ट क्या बता रहा है कि भाई रूट टू तो एक इेशनल नंबर हम कैसे इसको रेशनल बोल सकते हैं तो यहां पर हो रहा है कॉन्ट्राडिक्शन तो हम वो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दिस कॉन्ट्राडिक द फैक्ट दैट रूट टू दैट रूट टू इज इेशनल तो यहां पर आ चुका है कॉन्ट्राडिक्शन इसका मतलब कि हम समझ रहे थे रैशनल लेकिन ये तो है एक इेशनल नंबर मतलब हमने जो अजम्पन ली थी सिक्स प्लस रूट टू इज रैशनल वो क्या हो गई फॉल्स तो हम लिखेंगे हेंस आर अजम्पन हेंस आर अजम्पन हेंस 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल इज फॉल्स ये अजमसन हमारी फॉल्स हो गई इसका मतलब सिक्स प्लस रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर अगर सिक्स प्लस रूट टू रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा इेशनल नंबर हैंस, सिक्स प्लस रूट टू इज इेशनल सिक्स प्लस रूट टू इज इेशनल और यही बात को हमें प्रूव करना था तो हम लिख देंगे हैंस 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 देखो फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चन टू मार्क्स के लिए आने के फुल चांसेस है जनरली क्या होता है 1.3 और 1 और 1.4 से एक क्वेश्चन आता है टू मार्क के लिए और 1.1 और 1.2 से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है टू मार्क के लिए इस तरीके से ये चैप्टर फोर मार्क्स का वेटेज रखता है अगर आप ये नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं ठीक है आपने नोट डाउन कर लिया होगा अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बी सेफ एंड कीप लर्निंग दिस इज रेडियंट एकेडमी साइनिंग ऑफ